संत बुला विद्यालय देवा गांव में स्थित नहीं है, उनका जो है हमारी गांव में स्थित है। गाजीपुर जनपद में इतना करप्शन है, इतना करप्शन है, चाहे पुलिस अगर चले जाएंगे ना तो थाने के अंदर दलाली उसमें होती है। फाइल गायब हो गई, फाइल गायब तो सीधे भ्रष्टाचार पकड़ा जा रहा है। ऊपर डाका पड़ रहा है तो मैं पकड़ के दे रहा हूँ, क्यों नहीं सुनवाई कर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राजन ओझा और आप देख रहे हैं RAW 24 न्यूज। दोस्तों हम इस समय है जनपद गाजीपुर में, और जनपद गाजीपुर में किस कदर भ्रष्टाचार यहाँ पर बढ़ा हुआ है, और कैसे एक भ्रष्टाचार के खिलाफ जो लड़ाई लड़ने वाला एक इंसान है उसको कैसे सरकारी तंत्र बलि का बकरा बनाता है, वो आपको मैं बताने जा रहा हूँ। लेकिन उससे पहले मैं एक आपको चीज़ बता दूँ कि किस प्रकार, आपने पहले एक वीडियो देखा होगा पिछले दिनों कि एक बिहार का विमल मंडल जो था कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ते 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 उसने अपने हाथ की आहुति तक वो सरयू के किनारे जा कर के दे दिया था अयोध्या में। लेकिन आज यही जो है सामाजिक कार्यकर्ता जो हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ, ये यूपी के गाजीपुर ज़िले के हैं, वो भी विमल मंडल से कम नहीं है। लेकिन इनको भैया कोई नहीं जान सकता है। क्यों नहीं जान सकता है कि ये अपना हाथ नहीं काट सकते हैं। मैं किसी को हाथ काटने का ये नहीं कह रहा हूँ कि आप भी अपना हाथ काटिए और हाईलाइट हो जाइए, ऐसा जो लोग भी करते हैं ये गलत काम है। लेकिन देखिए किस कदर ये जब भ्रष्टाचार के खिलाफ DM से लेकर CDO से लेकर के SDM से लेकर के BDO तक सभी के ऊपर 25,000 रुपये तक का जुर्माना लगाने का कार्य किए हैं, वो हैं बोधा जायसवाल। बोधा जायसवाल किसी पर्चे के मोहताज नहीं हैं, जिन्होंने गाजीपुर के चर्चित होटल व्यवसायी मधु तरंग के मालिक उदय प्रताप जायसवाल को सलाखों के अंदर भेज करके उसको उसके होटल को सीज कराने का काम किया था, वहीं बोधा जायसवाल हैं। तो बोधा जी पहले तो आपका RAW 24 न्यूज में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद बताइए। बोधा जी आपने तमाम तरह का भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ा है, और जिस प्रकार से आपने DM से लेकर के DM के ऊपर भी राज्य सूचना आयोग के द्वारा जुर्माना करा दिया है, ये क्या है इसके बारे में आप जरा डिटेल बताइए। इसे कहने के मतलब आदमी संविधान से मैं लड़ रहा हूँ, RTI से सारे दस्तावेज लेकर लड़ रहा हूँ, अधिकारी जवाब दे नहीं पा रहे हैं, ना मुझे बुला रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं, मैं कहाँ जाऊँ। हाई कोर्ट गया, हर चीज़ गया, जब भ्रष्टाचार गरीबों का हक दिया गया है, गरीबों का हक के ऊपर डाका पड़ रहा है तो मैं पकड़ के दे रहा हूँ, क्यों नहीं सुनवाई कर रहे हैं। मैं बार बार कर रहा हूँ, DM साहिबा से कह रहा हूँ, सबसे कह रहा हूँ, लेकिन कोई नहीं सुन रहा है। कहने के मतलब कि ये तो RTI द्वारा जो मांगी गई थी रिपोर्ट नहीं दे रहे हैं। अभी तो वर्तमान में RTI इस साल मांगा हूँ, उसमें कह रहे फाइल गायब हो गई, फाइल गायब है तो सीधे भ्रष्टाचार पकड़ा जा रहा है। फाइल कैसे गायब हो गई, मैं RTI से मांग रहा हूँ फाइल दिखावे, फाइल कहाँ गई। मैं कह रहा हूँ कि DPRO पर 25,000 जुर्माना लगा है, दो दो बार खंड विकास अधिकारी जखनिया पर जुर्माना लगा है, ग्राम विकास अधिकारी पर जुर्माना लगा है, तो जुर्माने से क्या होगा। कहने जिस सरकार ये योजना बनाए जो जुर्माना लग रहा है वो प्रार्थी को मिले, जिसने संघर्ष कर रहा है, जिसने अपने प्राणों की बाजी लगा कर लड़ रहा है, यहाँ से लखनऊ तक खर्चा वहन कर रहा है, हर चीज़ कर रहा है, और जुर्माना इस एक प्रार्थी को होता तो प्रार्थी जानता कि जुर्माना की राशि मिली कि नहीं मिली, वो सरकार के खाते में जाना है, गया कि नहीं गया, मिला कि नहीं मिला, सबको सब अनदेखा हो जा रहा है। भैया देखिए, सामाजिक कार्यकर्ता बोधा जी ने एक बहुत बड़ी बात कहा है कि एक आदमी को भ्रष्टाचार के खिलाफ कितना लड़ाई लड़ना पड़ता है, तमाम तरह से शारीरिक आर्थिक और मानसिक रूप से तक भी झेलना पड़ता है, लेकिन जो जुर्माना लगता है वो एक होता है धो का टट्टी, और वो भी नहीं मालूम चलता है कि क्या ये जो जुर्माना लग रहा है ये पैसा सरकार के खाते में जाता है कि नहीं जाता है। हम तो यही कहेंगे कि जो अगर इस प्रकार से जो लड़ाई लड़ रहा है, क्योंकि इतनी लड़ाई लड़ने के बावजूद और तमाम तरह का दोष साबित होने के बावजूद भी जब इनके अंदर कोई न डर है न भय है तो ऐसे तो कुछ होगा नहीं। तो इस प्रकार से जो भी अगर जो होता है जुर्माना और शुल्क, अगर ऐसे लोगों को प्रोत्साहन किया जाएगा तो कहीं ना कहीं उन भ्रष्टाचारियों को भ्रष्टाचार करने में शर्म लगेगा तो इस तरह से। लेकिन मैं आपको ये बता दूं, यही बोधा जायसवाल है ना, जब इन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ
अपनी लड़ाई आवाज बुलंद किया था तो इनके घरवा को बुलडोजर चलाने की धमकी दे देते थे सब। महाराज जी की यही सरकार है और यही राम राज्य है। भैया अगर मैं कहूँगा तो मुझे लगेगा कि वही कहेंगे लोग कि भाजपा के खिलाफ बोल रहे हैं, लेकिन हकीकत ये चीज़ है कि जब भ्रष्टाचार के खिलाफ गाजीपुर जनपद में इतना करप्शन है, इतना करप्शन है, चाहे पुलिस अगर चले जाएंगे ना तो थाने के अंदर दलाली होती है। सीधे अगर जमीन जायदाद के मामले में पैसा फेंकेंगे तो आपकी जमीनिया को कब्जा करा देंगे सब, घरवा खाली करा देंगे सब, इस तरह से तब होता है। नहीं, मैं कह रहा हूँ 19-3-17 को महाराज जी ने शपथ लिया, उन्होंने कहा भ्रष्टाचार के खिलाफ मैं आपके साथ हूँ। हाँ। मैं उनकी बातों में आकर लड़ा, पहला कार्यकाल खत्म हो गया। अच्छा, महाराज जी ने सुना हूँ कि आपके पीठ भी थपथपाए थे। 31 अगस्त 2019 को मैं मिला हूँ, फिर 7 अक्टूबर 2019 को मिला हूँ, दो बार मिला हूँ। उन्होंने मेरा पीठ थपथपाया कि मुझको आप ही जैसा सैनिक चाहिए, लेकिन जब सैनिक लड़ रहा है तो कोई सुनवाई नहीं हो रही है। घर बैठे आज भी निस्तारण कर दे रहे हैं अधिकारी, कहीं सुनवाई नहीं हो रही। तो मैं ये कह रहा हूँ कि दूसरा कार्यकाल है महाराज जी का, अभी क्या कार्यकाल बिताना पड़ेगा भ्रष्टाचार को खुलासा करने के लिए। जब खुलासा हो रहा है तो उस पर रिकवरी करें, और रिकवरी नहीं हो रहा है। मैं कह रहा हूँ 10,20,000 का मेरे पास प्रमाण है, 1,65,000 का प्रमाण है, वहीं पर संतबुला विद्यालय देवा गाँव में स्थित नहीं है, उनका जो है हमारे गांव में स्थित है ना, वो देवा गांव के निवासी हैं। उनको 3.25 बीघा पट्टा किया गया है, यही जिला अधिकारी महोदया के मुकदमा चल रहा है। मैंने कहे कि 198 के तहत आइए, मैं फैसला दे दूंगा। 198 का मुकदमा किया हूँ, मैं वकील को फीस पर फीस दे रहा हूँ, तारीख पर तारीख पड़ रही है। कब मेरे पास औकात नहीं कि मैं 61 साल तक मुकदमा लड़ूँ, जैसे अभी फैसला आया 51 साल में ना, 51 साल मेरी उम्र नहीं हो जाएगी, इसीलिए टारा जा रहा है कि बोधा जायसवाल मर जाएगा फिर ही हो जाएगा। बोधा जी एक चीज़ मुझे बताइए कि ये बात सत्य है क्या कि जब आप भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़े हैं तो आपको धमकी दिया गया और आपके घर को ढहाने के लिए तमाम तरह का हथकंडा अपनाया गया? हाँ, जान मारने की धमकी नहीं मिली है। हाँ। मेरे मकान तोड़ने की धमकी मिली है, मेरे शौचालय को रोका गया 8 महीने से बिना स्टे आर्डर का। हाँ। दरोगा बोल रहे हैं कि मैं स्टे दूंगा, किस हाँ। परिभाषा में पढ़ के दरोगा हुए हैं? हाँ। स्टे आर्डर तो न्यायालय देता है, दरोगा तो केवल गुनाह का मुहर मारता है, किसी को गुनाहगार बना दे चाहे निर्दोष बना दे, लेकिन वो स्टे आर्डर नहीं देता है। उसको नहीं मालूम है तो अपना बोल रहे हैं केवल पैसा दीजिए आपका काम होगा। पैसा देने पर तो स्टे दे देंगे, वो सब आपका घरवा खाली कराने के लिए कर देंगे। तो तोड़े ना, मैं तो घर पॉकेट में थोड़ी लेके घूम रहा हूँ। यदि गलत है टूटेगा, सही है हाँ टूटेगा तो मैं ले लूँगा, मैं रजिस्ट्री शुदा जमीन है। बोधा जी ये बताइए, जब आप इतनी लड़ाई लड़ रहे हैं कुछ भी नहीं हो रहा, एक सामाजिक कार्यकर्ता विमल मंडल थे, उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए अपनी हाथ की आहुति दे दी, क्या आप भी ऐसा कुछ करने वाले हैं क्या? मुझको तो यही नहीं समझ में आ रहा कि संघर्ष 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 कोई कितना संघर्ष, जब शांत होता हो तो मन करता हूँ विमल मंडल जी जैसा मैं अपनी गर्दन को ही कुर्बान कर दूँ। क्यों कि जब न्याय नहीं मिलना क्या कोई लड़ेगा? प्रधान बोल रहा है कि क्या उखाड़ लिए 5 साल में, ये कोई तरीका हुआ? प्रधान का कार्यकाल खत्म हो जाए तो आरटीआई की रिपोर्ट मिले और न देने पर जुर्माना लगे, फाइल गायब हो जाए, ये क्या हो रहा है? फाइल कहाँ गई? फाइल गायब का मतलब कि गमन खुले तौर पर है, लेकिन मैं लड़ूंगा। लड़ेंगे लड़ेंगे भैया, चलिए यही सब है राम राज्य में, लेकिन मुझे भी पीड़ा है कि ये वही बोधा जी हैं, तमाम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं। एक और भी है, 8 जुलाई का गाजीपुर जनपद में करीब 6 महीना ये गुजरने जा रहा है, और ये समझ लीजिए कि हनुमान प्रजापति के 2 बच्चों का अपहरण हुआ, अभी तक गाजीपुर की पुलिस ढूंढ नहीं पाई, और यही गाजीपुर की पुलिस का यूपी पुलिस, गाजीपुर की पुलिस कोई स्पेशल पुलिस नहीं होती है, यूपी पुलिस 24 घंटे में भैंस को ढूंढ सकती है, लेकिन उन बच्चों के अपहरणकर्ताओं को 5-5, 6-6 महीने में नहीं ढूंढ पाती है। तो बोधा जी ने उस परिवार को भी एक न्याय के लिए, इंसाफ के लिए साथ दिया है, क्या करने वाले हैं बोधा जी? नहीं, कहने के मतलब है वर्तमान जो पुलिस अधीक्षक महोदय आए हैं, हम लोग का 21 तारीख को जंतर मंतर में अनशन था, मैं परमिशन लेकर आया था, वहाँ बैठना था, इन्होंने 20 तारीख को बुला करके 1 महीने का समय मांगा, वो समय बीत गया। हमने कहा उसी दिन कि आप विवेचक बदलिए, विवेचक नहीं बदला गया,
हमने कहा कि मेरी रिकॉर्डिंग 21 मिनट का सुनिए, एक रिकॉर्डिंग सुनकर कार्रवाई करिए अपराधियों पर। ओ ओ 15 दिन बाद तो आधी रिकॉर्डिंग सुनी गई, 15 दिन बाद पूरी सुनी गई, तो कहें कि नहीं वो गलत बोला है, ऐसे नहीं बोलना चाहिए। उसके बाद करने पर कोई सुनवाई नहीं होती, क्या न्याय मिलेगा? कहने के मतलब है कि हम अब श्रीमान जी कहे हैं कि मैं उच्च स्तरीय जाँच का आदेश दूंगा, तो मुझे उच्च स्तरीय जाँच का आदेश देने की कृपा करें, क्योंकि पीड़ित परिवार का मैं बेड़ा लिया हूँ कि मैं उसके साथ रहूँगा यदि मेरी हत्या होने को, हत्या से नहीं, मौत से नहीं। इसलिए कि जब आदमी बच्चा पैदा करके फौज में भर्ती कर देता है, देश के लिए शहीद होता है, तो मैं आम जनता के लिए शहीद हूँ, क्या दिक्कत है मरना? तो क्या यहाँ के पुलिस कप्तान ने क्या कहा है आप? अरे उन्होंने कहा कि मुझे 30 दिन का समय दीजिए। हाँ। मैं आप बच्चों का 30 दिन हुआ कि नहीं हुआ? 30 दिन आज पूरा हो गया, 18 तारीख को उन्होंने कहा था, 18 तारीख को 30 पूरा हो गया। अब क्या करने वाले? 20 तारीख को तो हमको वहाँ जंतर मंतर जाने के लिए रोके थे। अच्छा, तो अब क्या करेंगे जब एक महीना हो गया? तो ज्ञापन सौंपेंगे, उनसे न्याय मांगेंगे, और क्या करेंगे? मैं कोई कानूनी प्रक्रिया से चलेंगे ना। चलिए ठीक है, बहुत बहुत। और दूसरी बात, सबसे दुख वाली बात है कि माननीय मुख्यमंत्री के यहाँ पीड़ित परिवार 25/10/2022 को आवेदन पत्र अपने हाथों से दे रहा है, फिर उसका कोई जवाब नहीं आया। वाह, 11/12/2022 को दिसंबर महीने में लेटर जाके दिया जा रहा है माननीय मुख्यमंत्री के हाथों में, लेटर गायब। इसकी जांच कर ले, बच्चे मिल जाएंगे। वाह वाह, यही है भैया, यही है रामराज। मैंने कहा था कितना भी लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ें, लेकिन इंसाफ नहीं मिलने वाला है। जब महाराज जी के दरबार में पीड़ित परिवार जा करके दो दो बार उनके हाथ में पत्र देता है, उनको अवगत कराता है, लेकिन आज तक उस पत्र को पता नहीं आकाश खा गया या पताल खा गया, कुछ पता नहीं। और ये क्या हो रहा है ये राम राज्य में, ये सब देखना है। आज तक के लिए गाजीपुर से कैमरा पर्सन मोहम्मद आदिल के साथ राजन ओझा की रिपोर्ट। धन्यवाद।